हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रूहिका और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ एक माँ की बेबसी के बारे में। माँ के बारे में कविताएं तो हमने बहुत सारी सुनी है, आज एक नई कहानी सुन लेते हैं। कहानी नहीं, कविता। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ, एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह। था वह भी एक बच्चा। इस कविता में एक बच्चे के बारे में बात हो रही है जो कि किसी अदृश्य पड़ोस, अदृश्य पड़ोस मतलब कि ऐसी जगह जो नोन में ना हो, वहाँ से आता था खेलने के लिए, जिसका नाम था रतन। वो बेचारा बोल नहीं पाता था, हमारे साथ खेलने के लिए आता था, एक टूटे खिलौने की तरह हमें लगता था, बच्चों की ही तरह था बिल्कुल। लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। कि बच्चों को तो वो अलग लगेगा ना, क्योंकि वो बोलते हैं और रतन बोल नहीं पाता। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। यानी कि ये जो बच्चे थे ना, वो रतन से घबराते थे क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाते थे, उसकी परेशानी को, जो वो इशारों में कहता था उसकी बातों को, जो उसकी आंखों में उसका डर दिखता था उसे भी नहीं दिखते थे, वो उससे भी नहीं समझते थे, उसके अंदर की छटपटाहट को नहीं समझ पाते थे। जितनी देर वह रहता पास बैठी रहती उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। यानी कि हम कोई भी उसे समझ नहीं पाते थे, रतन को समझना हमारे समझ से परे था, लेकिन हमेशा उसके पास रहने वाली उसकी माँ थी, जो हमेशा अपने बेटे की खेल को निहारती रहती थी। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो धीरे धीरे मैं ये समझने लगा हूँ उसकी भाषा, उन लोगों की भाषा समझने लगा हूँ जो बोल नहीं पाते। आज रतन तो याद आता है, लेकिन उससे ज़्यादा याद आती है उन्हें उनकी माँ, क्योंकि उसकी माँ की आंखों में एक बेबसी झलकती थी कि मेरा बेटा क्यों इन सब की तरह नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसके लिए उसका बेटा ही सबसे ज़्यादा। होपफुली आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, मैं बार बार स्टोरी बोल देती हूँ, आपको ये कविता अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।